सलाम एवरीवन एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि गर्मी बहुत शदीद हो रही है। जब जब मैं यूनी आती हूँ तब तब पता नहीं क्यों इतनी शदीद गर्मी हो रही होती है, वरना गर्मी नहीं हो रही होती, लेकिन जब जब यूनी आओ तब तब गर्मी हो रही होती है। यूनी से निकलते ही अम्मा जी ने एक काम दे दिया है कि भाई उनका चार्जर ख़राब हो गया है तो चार्जर लेके आना है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी अब मॉल और फिर लूँगी मैं चार्जर अगर मिल जाता है, और अपने लिए हैंड फ्री लेनी है मैंने और एक दो चीज़ें और लेनी है। वो हो रहा है सामने मॉल और मेरी बस निकलने में सिर्फ 10 मिनट है और मैं इतनी आराम से जो है ना जा रही हूँ, पर ठीक है निकलती है तो निकले। और ये रोड क्रॉस करते टाइम थोड़ा सा मैं डर गई थी कि मैंने शायद गलत जगह से रोड क्रॉस कर लिया, शायद नहीं पक्का ही गलत जगह से रोड क्रॉस किया था मैंने। 2 मिनट में मौसम बदलता है रिश्तेदारों की तरह। अभी कैसा मौसम हो रहा था, कितना अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन मौसम को मैं नज़रअंदाज करती हूँ और जल्दी जल्दी पहुँचती हूँ क्योंकि अगर बस निकल गई फिर 3 घंटे बाद आएगी। और जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ कि चार्जर यहाँ नहीं मिलते। ख्वारी तो नसीब में लिखी है ना हमारे, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम सीधा सीधा हो जाए। निकल गई हूँ वापसी बाहर क्योंकि चार्जर वगैरह वहाँ पे नहीं मिलते। अब मैं सोच रही हूँ दूसरी शॉप पे जाऊँ या दूसरे मॉल जाके देखूँ बस की टाइमिंग पे नज़र रखते हुए। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ से नीचे जाना है, मतलब रास्ता बाहर का कहाँ से है, और मैं हमेशा गाड़ियों की तरफ से आ जाती हूँ और मैं फंस जाती हूँ। अभी भी मैं गाड़ियों की तरफ से आ रही हूँ और मुझे लोग ऐसे देखते हुए जा रहे थे कि इसको कुछ पता ही नहीं है, और मुझे मैं रास्ता भूल जाती हूँ भाई कहाँ से निकलना है वापसी, तो जहाँ से रास्ता मिलता है मैं निकल जाती हूँ। मौसम इतना अच्छा हो गया है लेकिन गर्मी अभी भी है, पर शुक्र है धूप नहीं है। भूल गर्मी में एक चीज़ का अच्छा हो जाता है, हर जगह ये इतने प्यारे प्यारे फूल आ जाते हैं। गर्मियों में भी आते हैं ना? हाँ गर्मियों में ही आते हैं। अब ये रोड क्रॉस यहाँ से नहीं कर सकते हम, हमने वहाँ से करना है थोड़ा सा आगे जाके, लेकिन मैं अभी यहीं से रोड क्रॉस करके आ गई थी जिसकी वजह से मुझे एक अंकल घूरते हुए गए थे कि नज़र नहीं आ रहा उधर से रोड क्रॉस करना है। लेकिन ये अभी मैंने कहा तरीके से जहाँ से रूल्स हैं जो वो फॉलो कर लूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की आदत होती है ना हम रूल्स फॉलो नहीं करते, हम कहते हैं रूल्स बने ही तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुदरत भी नहीं चाहती कि मैं, कुदरत नहीं अंकल नहीं चाहते कि मैं रूल्स फॉलो करूँ। मैं जाके जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करने लगी तो उन्होंने मुझे इशारा करा कर लो यहीं से कर लो, क्योंकि उनको ही पता अब कौन जाए इतना दूर। इतनी देर बाद आप लोग को मेरा थोबड़ा देखने को मिला, इतना हसीन थोबड़ा, अस्तग़फ़ुरुल्लाह हसीन तो खैर कहीं से नहीं लग रहा, पर यूनी से जब मैं निकलती हूँ ना तब मैं, अच्छा मैं ये बोल रही थी जब मैं यूनी से निकलती हूँ ना तो मैं इसलिए व्लॉग श्लॉग नहीं बनाती अपने थोबड़े का, क्योंकि ऐसा आ रहा होता है कितना गंदा आ रहा होता है। कभी मैं मासी बन के आ जाती हूँ, कभी मैं इतनी हसीन बन के आती हूँ, ऐसी बन के आती हूँ जैसे कि मुझसे ज़्यादा स्टाइलिश कोई नहीं है। खैर आप लोग मेरा ही पागलपन इग्नोर करिएगा कि मैंने जो है इतनी गर्मी कह रही हूँ, ऊपर से इतनी मोटी जैकेट पहनी है, मोटी नहीं है हल्की सी है बहुत, लेकिन इसका कपड़ा ऐसा लगता है, पर अब मुझे लोग देख रहे हैं मैं बंद कर। ये ना एक फिक्स टाइम हो गया, इस टाइम पे बारिश लाजमी होती है सुबह से जितनी भी गर्मी हो रही हो, लेकिन ये मैं नोट करा 2 बजे से 4-6 के दरमियान बारिश लाजमी हो रही है 4-5 दिन से, तो शायद आज भी हो जाए, लेकिन बादल कहीं से लग तो नहीं रहे। मैं यूनी से निकली थी 1:30 पे और अभी हो रहा है 1:46, मतलब मैं 1:46 और मतलब 16 मिनट में मैं मॉल से होके भी आ गई। कितनी टैलेंटेड हूँ मैं, मतलब 16 मिनट में मैं यूनी से मॉल गई, मॉल में मैंने चार्जर देखा, चार्जर नहीं मिला, मैं वापसी स्टॉप पे भी पहुँचने वाली हूँ, मतलब क्या है बात है अनुषा, क्या बात है। और बिल्कुल हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कितनी गर्मी हो रही है और अब एकदम से मौसम चेंज हुआ है और हल्की हल्की सी बारिश होने लगी। बारिश से पहले बस आ जाए क्योंकि मैं भीगना नहीं चाहती, आसमान से पता नहीं चला, लेकिन फिर से धूप आ गई है
मतलब हर 5 सेकंड बाद क्यों थोड़ी देर खुश होते हैं तो फिर वही गर्मी आ जाती है। आसमान से नहीं पता चल रहा लेकिन ये ज़मीन से पता चल रहा है। अब ये देखें तो यहाँ पे मेरी बस आ गई थी और यहीं पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।